लास्ट वीक के अंदर दोस्तों हुआ था गोल के अंदर फॉल, और उसके बारे में डिटेल में हमने बात भी की थी पिछले वीक के अंदर कि क्या हो सकता है। जहां जहां पर बोला वहां पर जैसे ही हमारा फाइनल सपोर्ट टूटा दोस्तों, गोल्ड ने जो है वो भारी गिरावट कर दी। बात करते हैं अगले वीक के अंदर, और लास्ट वीक का वीडियो जो है वो दोस्तों हमारा कॉमोडिटी नाम का प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगा, जाके जरूर देखना। फ्रॉम लाइव मार्केट करके प्लेलिस्ट है, वहां पर भी हमने अपडेट दे दिया था उसके बारे में कि गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। अगले वीक की बात करें तो 50,750 से ले 50,500 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। 250 पॉइंट की रेंज जो है वो दोस्तों थोड़ी सी रेंज सपोर्ट जोन के लिए बड़ी ली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर हम ये 50,500 के नीचे चलते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, तो हमें जो है वो 50,275 के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा जो है वो लेवल ध्यान में लेना चाहिए। उसके नीचे चलते तो 50,000 का फाइनल सपोर्ट है। अब यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ वो खास ध्यान से सुनना। 50,000 का जो लेवल है वो दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और फाइनल जो है वो हमारा सपोर्ट है। अगर हम लगातार 4-5 दिन, मतलब 1 वीक का क्लोजिंग जो है वो ये लेवल के नीचे कर पाते, 50,000 के लेवल के नीचे, तो संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी कि अगले आने वाले समय के अंदर, अगले आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड के अंदर एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और हमें जो है वो 49,775, 49,500 अगले वीक के लेवल है, लेकिन उसके भी नीचे हम जा सकते हैं, और करीबन करीबन जो है वो 48,800, 48,000, 47,300 तक के जो लेवल है वो भी देखने को मिलेंगे। कब? अगर ये 50,000 के लेवल के नीचे लगातार 4-5 दिन क्लोजिंग करता है, एक भी दिन ऊपर नहीं जाना चाहिए फिर, और वीकली क्लोजिंग भी नीचे की तरफ होना चाहिए, तो संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों कि जो है वो 47,300 तक के जो लेवल है वो हम देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी ये 50,000 का लेवल काटे तो थोड़ा सा सतर्क रहे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बात करते हैं अब रेजिस्टेंस के ऊपर, तो 51,000 से 51,150, 150 पॉइंट की ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। जब भी आप दोस्तों जो है वो ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ काटता देखो, तो ऊपर में पहला लेवल हमें ध्यान में लेना चाहिए 51,450। अगर ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ काट पाते तो 51,450 तक जा सकते हैं। वो लेवल अगर ऊपर काटता है तो 51,650 फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा, और अगर फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके ऊपर जो है वो दोस्तों धमाका होना तय है, और अगर फाइनल सपोर्ट काटेगा तो नीचे की तरफ भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर जो है वो 51,900 से लेके 52,200 तक के जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ काट पाता है तो की बात चल रही है। तो मंडे के दिन, ट्यूजडे के दिन, जब भी ये पहले रेजिस्टेंस को अगर ऊपर की तरफ काट देता है, पहले की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये नीचे का सपोर्ट काटता है तो नीचे की प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रही दोस्तों गोल्ड की बात अगले वीक के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही सपोर्ट टारगेट अगर आपको सीखने हो, लर्न करना हो, समझना हो कैसे लेवल हम निकाल सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। पूरे 3 महीने आराम से शांति से आप लर्न कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। पूरे 3 महीने का कोर्स है, वो आप आराम से एक 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 चीज को समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। आप जो है वो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।